हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मलिक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक कोर्स के बारे में। आज हम बात करेंगे बीए कोर्स के बारे में, आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि अगर आप बीए करना चाहते हैं तो किस तरीके से बीए कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे स्टूडेंट मानते हैं कि बीए इस तरीके का कोर्स है कि जिससे आगे हमें जॉब नहीं मिलेगी। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर बीए को हम अच्छे सब्जेक्टों के साथ करें, सही सब्जेक्टों का हम चुनाव करें, तो बीए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है और करने के बाद आपको अच्छी जॉब मिल सकती है अगर आप अच्छे तरीके से बीए करें। तो इसी के बारे में डिटेल से आज की वीडियो में कंप्लीट आपको बताएंगे कि आप बीए कोर्स अगर करना चाह रहे हैं तो किन किन सब्जेक्टों को सेलेक्ट करें, यह भी आपको बताएंगे, और किस तरीके से बीए करें पूरी जानकारी वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, जिनका इंटरेस्ट है बीए करने में या बीए कर रहे हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए कोर्स की पूरी जानकारी, बीए कोर्स क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, सेकेंड हम बात करेंगे बीए कोर्स कौन कौन कर सकते हैं, थर्ड हम बात करेंगे बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये भी हम बात करेंगे, और कौन से सब्जेक्ट हमें लेने चाहिए जिससे कि हमें फ्यूचर में अच्छी जॉब मिले। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे बीए में एडमिशन कैसे लें, यानी कि बीए में अगर हम एडमिशन लेना चाहें तो किस तरीके से एडमिशन लें, प्राइवेट कॉलेज से करें, गवर्नमेंट कॉलेज से करें, डिस्टेंस से करें, रेगुलर करें, इस पर भी बात करेंगे। बीए करने के क्या फायदे हैं, अगर बीए करते हैं तो किस तरह की जॉब मिलेगी, क्या फायदे होंगे, इस पर भी बात करेंगे। तो बीए की यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे हम बात करेंगे बीए की पढ़ाई क्या होती है। पहले ये देखेंगे बीए का पूरा नाम बैचलर ऑफ आर्ट्स है, तो इसका जो बीए हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म जो है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स है, इसकी फुल फॉर्म होती है, और यह पूरे 3 साल का कोर्स होता है, यानी कि यह कोर्स 3 साल में कंप्लीट होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल में हमें यह कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। यह कोर्स इंटर आर्ट के बाद किया जाता है। यह कोर्स वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने 12th क्लास में आर्ट साइड से पास की हुई है, वो भी कर सकते हैं, और प्लस अगर आप करना चाहते हैं, आपने साइंस साइड से 12th पास किया या कॉमर्स साइड से आपने पास किया तो भी आप बीए कोर्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी ये कोर्स बना उनके लिए है, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है जो 12th अपना आर्ट से कंप्लीट करते हैं, उनके लिए बेस्ट कोर्स है, और करना चाहें तो दोनों सभी कर सकते हैं जिन्होंने अपना 12th पास किया। मगर आपने साइंस साइड से किया तो आपके लिए और बहुत ऑप्शन है, वो आप कर सकते हैं। आपने कॉमर्स से किया है तो आप बीकॉम कर सकते हैं, वो ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, मगर आप करना चाहें तो भी आप बीए कर सकते हैं। बीए कोर्स एक ग्रेजुएशन डिग्री है, तो ये एक ग्रेजुएशन, जैसे हम बोलते हैं कि इसने ग्रेजुएशन कर ली, उस तरह की एक डिग्री है अगर हम बीए कर लेते हैं तो, जिसे प्राप्त करने से आपको ग्रेजुएट छात्र कहा जाएगा। अगर आप बीए कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं आपके 3 ईयर, तो उसके बाद आप एक ग्रेजुएट छात्र कहे जाओगे, आप कहे जाओगे हाँ इसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, ये ग्रेजुएट छात्र है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे बीए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि बीए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप 12वीं पास करने के बाद बीए कोर्स करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत होगी, यानी कि आप अगर बीए अपना करना चाहते हैं, आपने 12th कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम आप पास करेंगे तो आपको किस तरीके का फायदा होगा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीए करना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज से बीए करना, वहां पे आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाएं और एडमिशन आप ले सकते हैं, उसके बाद आप बीए आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाना, जिसके फायदे मैं आपको आगे बताऊंगा कि गवर्नमेंट में और प्राइवेट में क्या आपको फर्क देखने के लिए मिलेगा, अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से करना, तो उसके बाद आपको 12th करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एग्जाम देना होगा, वो एग्जाम अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और वहां से बीए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा सरकारी कॉलेज से बीए करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जी हाँ, ये मैं बता चुका हूं, जैसे कि आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, हाँ अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको
फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जिसमें क्या फायदा होगा इसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। बीए करने के लिए कितने पैसे लगते हैं इसमें हमें पता चलेगा कि एंट्रेंस एग्जाम देने का क्या फायदा है। देखिए बीए के लिए सरकारी कॉलेज में फीस 3000 से लेके 25000 रुपए होती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं बीए, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया और आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीए करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे फीस जो होगी वो आपकी 3000 से लेके 25000 के आसपास तक होगी। इस तरीके से फीस रहती है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत कम होती है, तो उसमें आपको ये फायदा देखने के लिए मिलेगा। जबकि प्राइवेट कॉलेज में यह फीस 20000 से लेके और 40000 तक होती है। फीस की राशि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होती है। ये डिपेंड होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे कि किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज में किस तरह की फीस है, वो उस पर डिपेंड करता है। प्राइवेट में मोस्टली वहां पे आपको 20000 से लेकर 40000 के आसपास तक फीस देखने के लिए मिलेगी प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है उनमें। अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको वहां पे बहुत कम। अगर आप देखिए गवर्नमेंट की वैल्यू भी एक अलग होती है, आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो उसकी वैल्यू भी अलग होगी। आप अगर अच्छा सब्जेक्ट के साथ करते हैं, अच्छे कॉलेज से करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं प्लस, तो आपको 100% अच्छी जॉब मिलेगी। तो आप अगर चाहते हैं बीए करना तो आप एंट्रेंस एग्जाम जरूर दें ट्वेल्थ करने के बाद, और अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको फिर बहुत अच्छा रहेगा। एक तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा प्लस आप अच्छे सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और फीस भी आपकी कम होगी, तो ये उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है बीए करने के लिए। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही कॉलेज में उपलब्ध होते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन रहते हैं। आपको प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके पास रहेंगे। आप किसी भी कॉलेज से बीए कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात फीस होती है। जी हाँ, फीस तो है ही मेन कि प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा होगी और गवर्नमेंट कॉलेज में ये आपको कम देखने के लिए मिलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आता है आपका मेन टॉपिक। मेन टॉपिक जो रहेगा, देखिए हम कोई भी कोर्स करें डिपेंड करता है कि उसमें हम किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम बीएससी करें, बीकॉम करें, या बीए करें, या बीटेक करें, कुछ भी हम करें, हमें ये देखना है किसकी डिमांड है। बीटेक हम कर रहे हैं कौन सी हम ब्रांच से करें, जैसे कि सीएस हो गई, आईटी हो गई, आपका इलेक्ट्रिकल हो गई, आपका मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, इस तरह की काफी ब्रांचें हैं उनसे कर सकते हैं। और जैसे बीए हो गई, उसमें अलग अलग आपको कोर्स सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे मेन होते हैं सब्जेक्ट की, हम किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, जिस किसकी डिमांड है, किससे हमें जॉब मिलेगी वो हमें देखना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप बीए कर सकते हैं। आप हिंदी लिटरेचर से बीए कर सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर से आप बीए कर सकते हैं, आप हिंदी जनरल से कर सकते हैं, इंग्लिश जनरल से कर सकते हैं, संस्कृत से कर सकते हैं, हिस्ट्री है आपकी, फिलोसफी आपकी इससे कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, आप सोशियोलॉजी से कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हैं, आप यहाँ पे होम साइंस से कर सकते हैं, आप यहाँ पे फाइन आर्ट एंड पेंटिंग जर्नलिज्म से कर सकते हैं, मार्क्स कम्युनिकेशन से कर सकते हैं, एनवायरमेंट स्टडी से कर सकते हैं। आप यहाँ पे काफी ऑप्शन है जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इससे कर सकते हैं, तो काफी आपको ऑप्शन मिलते हैं, काफी सब्जेक्ट है जिनमें आप बी ए कर सकते हैं। मगर अच्छे सब्जेक्ट मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा आपको इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो आप जरूर सेलेक्ट करें। अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं बीए करके, तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट को जरूर रखें। उसके बाद आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट जो है वो ले सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो आप ले सकते हैं, आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो आप ले सकते हैं, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। इस तरीके के सब्जेक्ट अगर से आप बीए करते हैं, आप संस्कृत से जिनका इंटरेस्ट है जो कुछ करना चाहते हैं वो संस्कृत, हिंदी में कोई टीचर वगैरह बनना चाहते हैं वो उनसे कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट आपको अपने हिसाब से देखना है, क्योंकि आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, तो उस तरीके के सब्जेक्ट लें जिनकी प्राइवेट सेक्टर में जरूरत है। आप अगर गवर्नमेंट में टीचर बनना चाहते हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो उसमें जरूरत है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट हो गए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, इस तरीके के आपके सब्जेक्ट हो गए। आप कुछ एक्स्ट्रा अगर करना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो आप हिस्ट्री सब्जेक्ट ले सकते हैं, इस तरीके के सब्जेक्ट आप समाजशास्त्र ले सकते हैं। तो इस तरीके के सब्जेक्ट जो है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट की लिस्ट है, इसी के बारे में आपको जानकारी देनी थी बीए के बारे में। इससे रिलेटेड कोई डाउट है किसी तरीके का भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट बीए कर रहे हैं ऑलरेडी, वो किस किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं
वो भी कमेंट करें, फिर हम उनको बताएंगे कि आप एक कुछ कोर्स है, जैसे कि आप मानिए इसमें आप इंग्लिश से बीए कर रहे हैं, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट आपने ले रखा, जैसे 3 सब्जेक्ट हमें लेने होते हैं मोस्टली यूनिवर्सिटियों में, कुछ यूनिवर्सिटियों का अपना अलग होता है, बाकी मेन जो है वो 3 सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम 3 सब्जेक्टों से बीए कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा कोर्स करें उसके साथ साथ जिससे हमें आने वाले टाइम में, जैसे अभी हम फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, हम सेकंड ईयर में तो एक कोर्स कर ले या थर्ड ईयर में तो एक कोर्स और कर ले इसके साथ साथ, जिससे कि हमें एक अच्छी जॉब भी मिले उस कोर्स के बेस पे। तो काफी कोर्स है, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स है वो आप कर सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स है, तो इस तरीके के काफी कोर्स हैं जिन्हें आप बीए के साथ साथ कर सकते हैं और उसके बाद अच्छी जॉब पा सकते हैं, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो गए, आप एचआर असिस्टेंट हो गए, इस तरीके के काफी वो है, आपके रिसेप्शनिस्ट हो गए या किसी भी तरह की कोई जॉब हो गई वो आपको इजीली मिल जाएगी। और किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप अपनी कमांड बना के और बीए अपना करने के बाद, बीए आप अगर कहीं वर्किंग है, जॉब कर रहे हैं, आप बीए करना चाहते हैं तो आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, ऑप्शन है, आप रेगुलर कर सकते हैं, अगर आप वर्किंग नहीं है प्रॉपर आप बीए करना चाहते हैं तो रेगुलर आप बीए करें उसके साथ साथ कोर्स करें, आप कहीं पे वर्किंग है तो आप डिस्टेंस से कर सकते हैं, तो काफी ऑप्शन है और आप बीए कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम 12th से कोई जॉब कर रहे हैं तो हम हमेशा 12th वाले लेवल पे रह जाएंगे, अगर हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो एक लेवल हमारा ऊपर हो जाएगा, जिसमें हमें फायदा होगा कि हमारी पोस्ट भी बढ़ेगी और हमारी सैलरी में भी ग्रोथ होगी। हम कहीं दोबारा इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहां पे हमें फायदा होगा क्योंकि हमने ग्रेजुएशन कर रखी है, और 12th वाले जाते हैं, ग्रेजुएशन वाले जाते हैं तो उसमें फर्क आप पे देखा जाएगा। तो आपके लिए अगर आपने 12th किया है, जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है, तो आप बीए कोर्स जो है वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही जानकारी देनी थी, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों के पास, शेयर करें उन स्टूडेंटों के पास जो बीए करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं किसी कोर्स से रिलेटेड या किसी जॉब से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।